अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये कुछ दिन पहले मुझे एक ड्राइंग सेंड की गई थी। इसमें कुछ डाटा एक्सट्रैक्शन रिक्वायरमेंट थी, तो आज की वीडियो में यही देखेंगे। तो इसमें क्या चीज़ है, एक तो ये कुछ एग्जिस्टिंग कंटूर्स हैं और ये कुछ एग्जिस्टिंग एलिवेशन हैं जो ब्लॉक्स की सूरत में पॉइंट के साथ हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है डाटा में कि जैसे ही हम इन ब्लॉक को एक्सक्लूड करते हैं तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये टेक्स्ट वैल्यू में चेंज हो जाती है। जैसे मैं ये एक्सक्लूड की कमांड एक्स पे अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं एक्स लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो भी पॉइंट मैं एक्सक्लूड करता हूँ उसके साथ ये जो टेक्स्ट है वो लिखा आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो पॉइंट ब्लॉक है अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं तो यहाँ पे जेड वैल्यू 400 शो कर रहा है, जबकि इसके साथ जो टेक्स्ट वैल्यू लिखी है, जो एलिवेशन है, ओरिजिनल एलिवेशन जो साइट से लिया गया है वो -0.01 है, मीटर में है ये एलिवेशन। ठीक है, तो यही एक दो प्रॉब्लम है इस डेटा में। और दूसरा ये जो है, ये अगर यहाँ पे आप देखें तो इसका नॉर्थ ईस्ट साइड में आ रहा है, ट्रू नॉर्थ जो है जैसे बिल्कुल स्ट्रेट आता है, ठीक है, वो इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर आप गिज़मो भी देखें तो ये रोटेटेड ड्राइंग है। तो अगर हम इस डाटा को यहाँ पे एक्सक्लूड करके इसमें ये जेड एलिवेशन जो है वो ऐड भी कर देते हैं तो भी ये बाद में अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये दो तीन प्रॉब्लम है इसमें, तो इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसको सॉर्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है इसको। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूसीएस की कमांड देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वर्ड पे कर देता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी मैं प्लान की कमांड देता हूँ इसमें और इसको मैं 2 टाइम इंटर करता हूँ तो ये अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे ट्रू नॉर्थ पे सेट हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी नॉर्थ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पे आ गया है हमारा। तो ये पहला स्टेप था इसको करने का। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये जो पॉइंट हैं इनको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, और ये वैल्यू इनमें ऐड करना है, और बाद में हम इस डाटा को चेक करेंगे कि ये करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डाटा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये एक वैल्यू है, ये दो टाइप के इसमें कलर हैं, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट सिमिलर करके इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। ओके, ये डाटा आ गया है हमारे पास यहाँ पे। अभी इस डाटा को जो है वो हमने एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड की कमांड से हमने चेक कर लिया कि एक्सक्लूड की कमांड से ये नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं दूसरी कमांड एक यूज़ करूँगा ब्रस्ट के नाम से जो अवेलेबल है। ठीक है, और इस डाटा को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ये थोड़ा बड़ा डाटा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ। ये एक्सक्लूड हो गया डाटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये जो टेक्स्ट है ये सेपरेट हो गया है। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं ये सेपरेट हो गई हैं। तो अभी सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये जो दो लाइन का इंटरसेक्शन है इस पे हमें पॉइंट क्रिएट करना है। उसके लिए मैं एक लिस्प यूज़ करूँगा, ये लिस्प ऑलरेडी मैं एक दो वीडियो में पहले भी शेयर कर चुका हूँ। इस ये जो लिस्प आज मैं यूज़ करूँगा इसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस बना है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और मैं इसको सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ और इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो जितने भी क्रॉस हैं बस वही बाकी हैं। ठीक है, अभी इन क्रॉस के जो पॉइंट हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको ऑटोकैड पॉइंट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये दोनों लिस्ट आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे, मैं दोनों को एक ही दफ़ा लोड करता हूँ और क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो इंट लाइन है, ओके, इंट लाइन में सेलेक्ट करता हूँ और मैं इन पॉइंट को सबको एक ही दफ़ा सेलेक्ट करता हूँ, ओके, और राइट क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट हमारे क्रिएट हो गए हैं हर इंटरसेक्शन पे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक दफ़ा मैं जो डाटा हमने हाइड किए है, ठीक है, उसको मैं वापस लाता हूँ। ये टेक्स्ट डाटा था, ठीक है, जो हमने इसमें ऐड करना है। इसमें कुछ टेक्स्ट कोड भी है, ठीक है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हमें पॉइंट की डिस्क्रिप्शन में, सॉरी जेड डेलीवेशन में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अभी ये वाली जो लाइंस हैं इनका काम ख़त्म हो गया है, तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो है ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसके साथ ये ब्रैकेट वगैरह और माइनस के साइन है और टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। इसको अभी हमने इन पॉइंट्स में ऐड करना है एज ए एलिवेशन जेड वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले कि इसमें कोई वैल्यू है या नहीं है। तो मैं किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जेड वैल्यू जो है वो 100 आ रही है, ठीक है, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट वो जो क्रॉस लाइन थी उनसे लिए बाई डिफ़ॉल्ट आई है। तो ये रॉन्ग एलिवेशन है, जबकि हमें ये वाले एलिवेशन रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए मैंने जो लिस्ट लोड की है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये लिस्ट हम यूज़ करेंगे क्रिएट सिंगल पॉइंट फ्राम ओके रेफरेंस। ओके, तो इसकी जो शार्ट कमांड है वो है टेस्ट डिस्टेंस, ओके, और अभी ये जो ऑटोकैड पॉइंट है, ओके, और ये जो टेक्स्ट है इनको मैं एक न्यू ड्राइंग में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट सिमिलर, और इनको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट विद ओरिजिनल कोऑर्डिनेटर कर रहा हूँ, जेड इंटर ई इंटर। ये डाटा हमारा आ गया है। यहाँ पे जो हमने लिस्ट लोड करनी है वो ये लिस्ट पे, ओके, लोड क्लोज। तो इसकी ये कमांड है टेस्ट डीआईसी, और यहाँ पे मैं जो है इस सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। पॉइंट हमारे क्रिएट हो गए हैं, हम लोग चेक करते हैं कि ये हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमारे जो है वो क्रिएट हो गए, ठीक है। अभी इन पॉइंट को मैं एक्सपोर्ट करके री इम्पोर्ट करता हूँ सेम उसी फाइल में जहाँ से हमने ये लिए थे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले कि इस पॉइंट में ये वैल्यू आई है या नहीं है। ये मैंने ये कोको पॉइंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे तो यहाँ पे ये 310 आ गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 310 है ये भी, ओके। इन पॉइंट को मैं अभी एक्सपोर्ट करता हूँ, पॉइंट ग्रुप ऑल पॉइंट एक्सपोर्ट, ओके, फॉर्मेट ए पॉइंट ईस्ट नॉर्थ एलिवेशन, ओके, और यहाँ पे ये जो है मैं फोल्डर सेट करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ टेस्ट 1.test, ओके, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट, ओपन, ओके। यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, ओके, ब्राउज डॉक्यूमेंट, ओके। यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो ये फाइल आई है हमारी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट जो है वो पूरे एक्सपोर्ट हो गए हैं, ठीक
ठीक है, अभी हमने इसको री इम्पोर्ट करना है अपना सिविल 3D में, ठीक है, और चेक करना है कि आया कि ये सेम पॉइंट हैं या नहीं, ठीक है। तो ये वो फाइल है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया है इस फाइल में, ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इन पॉइंट को इंपोर्ट करता, इंपोर्ट प्लस, और यहाँ पे हमारा फोल्डर है ये है, तो ये हमारे पॉइंट जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमारे इंपोर्ट होके यहाँ पे आ गए हैं। तो ये इसका मेथड था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये हर पॉइंट के साथ जो है ये पॉइंट आ गया है, ठीक है, ये सिविल 3D का पॉइंट है और ये जो है ये ऑटोकैड का पॉइंट है। तो ये मेथड था इसको इम्पोर्ट करने का, उम्मीद है उन भाई का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस तरह का जो डाटा है उसको कैसे अरेंज करना है और उसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।